जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए, आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य। आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था, न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिजम्स, या आप कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने न्यूट्रिशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। मैंने आपको बता रखा था कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब आइए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, यह चर्चा की जाएगी। तो न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है, मैंने आपको बता रखा था कि इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने द्वारा ये फूड मटेरियल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट के द्वारा अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। और इनके अंदर जो फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट्स अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। आइए इस फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए हम बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस को दो वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, फोटॉन और सिंथेसिस। फोटॉन यह वर्ड देखिएगा, यहाँ पे नाम आ रहा है, सब एक नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। फोटॉन का मतलब होता है लाइट। फोटॉन का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। और ये लाइट के द्वारा, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइट के प्रेजेंस में जो कुछ बनाई जाती है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकता है इसमें, देखिएगा सिंपल सा डेफिनेशन। प्लांट्स प्रिपेयर their food in the presence of sunlight taking water and carbon dioxide with the help of क्लोरोफिल। देखिए, तीन चार चीज़ें यहाँ पर सामने चल कर के आई हैं। एक तो है क्लोरोफिल, एक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा सनलाइट, ठीक है। और ये फूड जो प्लांट्स बनाते हैं, इसका नाम है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये सिंथेसिस करते हैं फूड मटेरियल्स का। ये खाना जो पौधे बनाते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्च होता है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार चीज़ें हमारे बीच में सामने चल करके आई हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टेक वाटर यानी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये प्लांट्स अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ गए? अब आइए बात कर लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एंड यहाँ पर सनलाइट होता है
और इधर आपका क्लोरोफिल होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वह क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है और कुछ मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलता है। तो देखिएगा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निकलना ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। प्लांट्स तो अपना खाना बना रहे हैं लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, एंड दिस ऑक्सीजन गैस इनहेल्ड बाय द एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा ये गैस इनहेल किया जाता है, रेस्पायरेशन किया जाता है उसका, और हम जिंदा रहते हैं। तो आफ्टर ऑल हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज किया गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से अपने बुक के द्वारा, अपने इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से लाइक कर सकते हैं इसको, आपको समझ में बहुत ही क्लियरली आने वाला है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से। सो अब हम बात करते हैं कि इस फूड मटेरियल्स में, इस प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, कौन कौन से इसमें मटेरियल्स यूज किए जाएंगे, यहाँ पर ये बातें हम करेंगे। तो मुख्य रूप से इधर वाले जो पोर्शन होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स यही होते हैं, कच्चे पदार्थ जिसको बोल सकते हैं आप। इसको मिटा दिया जाए, यस। सो हाउ द प्लांट्स टेक द रॉ मटेरियल्स, व्हाट इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज टू रॉ मटेरियल्स एक्चुअली, फर्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सेकेंड वन इज H2O, इट मीन्स वाटर। यही दोनों मॉलिक्यूल्स मुख्य रूप से प्लांट्स यूज करते हैं, और वाटर भी ढेर सारा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ढेर सारा है अर्थ पे, तो इसी को कंबाइन करते हैं प्लांट्स, जो लाइट एनर्जी लेकर के उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज या स्टार्च में। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये प्लांट्स लोग कैसे लेते होंगे इसको, हाउ द प्लांट्स टेक द वाटर, हाउ द प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार ये लेते हैं। तो पहले रॉ मटेरियल्स के बारे में हम पहले वाटर के बारे में देखेंगे, जल के बारे में देखेंगे क्या होता है, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर अगर देखें अपन, तो वाटर अर्थ पे तीन फॉर्म्स में होता है, वाटर जो होता है अर्थ में तीन फॉर्म्स में होता है। पहला आपका है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और दूसरा जो होता है आपका ये सेकेंड वाला, ये आपका होता है कैपिलरी वाटर, और तीसरा जो है दैट इज द ग्रेविटेशनल वाटर। ये वाटर तीन फॉर्म्स में अर्थ पे पाया जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये आपकी जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर यानी नमी जो है अर्थ सरफेस पे, जो नमी रहता है उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर यानी हाइग्रोस्कोपिक। भाई नमी भी तो वाटर ही है, उसमें भी तो पानी होता है, तो दैट वाटर विल बी कॉल्ड एज द हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो मीन्स नमी, जो अर्थ सरफेस पे नमी होता है, जो आपको नम दिखाई देता है भूमि, उसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड व्हाट अबाउट द कैपिलरीज वाटर, जैसे आप सॉइल को देखेंगे, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं ढेर सारे, सॉइल पार्टिकल्स जो हैं मिट्टी के कण ढेर सारे होते हैं, तो ये मिट्टी के कण के बीच में, इसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है
या फिर कह सकती हूँ द वाटर प्रेजेंट्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, जो धरती के अंदर बेड रॉक होते हैं रॉक्स, इसके नीचे जो वाटर रहता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटी के द्वारा जो हम लोग हैंड पंप या समरसेबल से निकालते हैं वो आपका होता है ग्रेविटेशनल वाटर होता है। तो कौन से वाटर को प्लांट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो मोस्ट यूज्ड वाटर बाय प्लांट्स इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का यूज़ करते हैं प्लांट्स। और कैसे इसको एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे इसको लेंगे, यहाँ देखिएगा प्लांट्स एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर बाय रूट्स, किस प्रोसेस के द्वारा, थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या होता है, प्लांट्स रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस ये नया वर्ड आप लोग के लिए आ गया, आप लोगों ने सुना होगा, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो वाटर या किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन डिफ्यूजन इससे जस्ट अपोजिट है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में बेटा आपको बता दिया गया वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन द ऑस्मोसिस देयर मस्ट बी रिक्वायर्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट अगर होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आप कह सकते हो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू ऑस्मोसिस। एंड कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, कैपिलरी वाटर। अब सोचो तुमको क्यों कैपिलरी वाटर बताने के लिए हमने इन तीनों को बताया यहाँ पर, तो आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ, अर्थ पर कितने टाइप्स की वाटर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये तीन टाइप के वाटर अर्थ पे होते हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए विच वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा कौन सा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा, कैपिलरी वाटर। इज इट क्लियर, तो दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड थ्रू द रूट्स इट्स गोज टू द लीव्स, ये लीव्स तक पहुंचता है। क्यों लीव्स तक जाएगा वाटर, क्योंकि वहीं तो है क्लोरोप्लास्ट। आपको मालूम है कि ग्रीन कलर क्यों होता है लीव्स का, विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, तो वही तो होगा फोटोसिंथेसिस। क्यों, मैंने तुमको पहले ही बता रखा है क्लोरोफिल के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होने वाला है। तो क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स में दोनों है ना, जब रॉ मटेरियल्स वहाँ पहुँचेगा तब तो होगा। तो दिस रॉ मटेरियल इज गोज टू द टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के टिप पर जाता है, लीफ के ऊपर, लीफ तक पहुँचेगा ये वाटर किसके द्वारा, थ्रू द जाइलम। अब आइए यहां तक समझ में आ गया, अब आइए बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ये आपका, ये फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, वाटर को समझ में आ गया आप लोग को। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करने के लिए आपको मालूम है 0.03% जो होता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन एटमॉस्फेयर जितनी भी गैसेस होती हैं उसका 0.03% क्या है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो प्लांट्स के अंदर ये कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स इन enters in plants through stomata,
बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस टोमेटा से प्लांट्स के लीव्स में पहुंच जाता है। आप देखोगे लीव्स के अंदर कुछ ऐसे एक ओपनिंग होती है, कुछ अपर्चर पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, दिस वन दिस इज दिस टोमेटा। अब इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंट्री करेगा प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर लीव्स में। दीज टोमेटा आर फाउंड इन द लीव्स। अभी तुमको बताया जाएगा ट्रांसपोर्ट में, वहां पर बहुत क्लियरली ट्रांसपायरेशन बताऊंगा, तो इस टोमेटा का वहां क्लियरली आपको ऑब्जर्वेशन देख लेंगे आप, तो आपको समझ में आ गया आई थिंक। दीज टू रॉ मेटेरियल्स आर यूटिलाइज बाय द प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द टोमेटा। अब देखिए बात कर लेते हैं, तो ये तो रॉ मेटेरियल्स हमने देख लिया, अब आ जाओ और जो अदर्स फैक्टर्स होते हैं किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मैंने तुमको बताया था, उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिएगा। इसमें अदर्स में अगर देखिए और किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के रॉ मेटेरियल्स में, पहली चीज लाइट। लाइट तो द मस्ट है, लाइट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं आपके फूड एनर्जी में। और दूसरा यहाँ पर है सेकंड, दूसरा यहाँ पर आपका आ गया, पहला लाइट हो गया, दूसरा आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और तीसरा यहाँ पर आएगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये चीज़ें ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होती फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी अगर लो रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लेकिन लाइट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, साइट इसका देखें, अगर साइट अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे होगा एक्चुअल में, तुम लोग को मालूम है कहाँ पे होता है, इन लीव्स, लीव्स में होता है, लीव्स पत्तियों में होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, सभी जानते हैं भाई, क्लास सिक्स का बच्चा भी जानेगा, लेकिन आप कैसे अलग बताओगे कि लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस पूछ लिया कहाँ होता है, हाँ सर जी लीव्स में होता है, ये तो सबको मालूम है, क्लास सिक्स का बच्चा भी बताएगा फोटोसिंथेसिस किधर में होता है, लीव्स में, लेकिन आपको नहीं बताना है बिकॉज यू आर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो इन लीव्स, अगर एक पत्ती अगर हम देखते हैं, एक लीव्स के बारे में अगर देखें, एक पत्ती को अगर देखा, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे हम, तो इसमें ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे इलांगेटेड सेल्स होती हैं, ये इलांगेटेड सेल्स। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, अब इस सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स इसको बोला जाता है। अब ये इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अगर इस क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा मैग्नीफाइड करते हैं तो हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा और थोड़ा हाईली मैग्नीफाइड करेंगे तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तुमको ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको ग्रेना बोला जाता है। अब एक जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फुट सिंगल, ये आपका थैलेक्वाइड होता है, थैलेक्वाइड। अब इस थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर होता है क्लोरोफिल, यहीं पे क्लोरोफिल होता है, ये तुम्हारा क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जहां क्लोरोफिल होगा वहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस किधर होता है तो ये बताना
कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में मेसोफिल की सेल्स में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित ग्रेना के थैलाकोइड में होता है। ठीक है, कितना अजीब बात है, यहाँ से तल करके यहाँ तक आना पड़ेगा इनसाइड तक, तो यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है और लाइट भी यहीं पे आता है। तो क्लोरोफिल का कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि तुमको मालूम है थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल आपको मैंने रिक्वायरमेंट मटेरियल्स बताया फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, उसके बाद तुमको बताया साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये मैंने तुमको बताया। और उसके बाद अब आइए स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, कर लेना इसको अच्छे से। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप होते हैं इसमें, स्टेप्स अगर देखते हैं फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स होते हैं। पहला है आपका लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा और आपको थोड़ा समझने में समय भी चाहिए। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया आज, मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताया, उसका रिएक्शन मैंने बताया, फिर फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है उसको मैंने बताया यहाँ पे, और प्लांट्स कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या मैंने बताया, फिर आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये तुमको बताया गया। और उसके बाद इसके स्टेप्स, एक पहला आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है, बट डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में होता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियरली एलोबरेट किया जाएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इतना आप एक बार रिवाइज करिए, बुक्स पढ़िएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखिएगा कौन से इस पे आए हुए हैं, मैं उसे डिस्कस करूंगा एक लेक्चर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल जा करके उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वो मेरे तक आंसर उसका क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।